മംഗലം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമോകളി മംഗളം കുന്ദ കുന്ദ്ദ്യദ്യോ ജൈനധർമോസ്തു മംഗലം ജൈന മംഗലം മംഗളം ജൈന ധർമോസ്തു മംഗളം बारह बारह साल तक व्यक्ति को रखा उसको बिगड़ने नहीं दिया उसको नहीं जाने दिया वारी महाराज पुष्प ढाल बारह साल तक गजब मैंने ऐसा बहुत मैं, मेरे पास तो था मैं तो दो दो चार दिन में घबरा जा।, जा भाई भाड़ बन जाए तो मैं क्या तो मैं बहुत असहिष्णु आदमी हूं मेरी सहलशीलता घंटे भर टिक जाए तो भाव ही बहुत है इतना भी नहीं है थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में हम कह देंगे हम क्या करें बाहर में जाओ मैं क्या करो हमारे बस की बात तो पीछे हट जाऊंगा मातपोड़ी लगाऊंगा तो सही ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं थोड़ा बहुत तो मेहनत करूंगा समझाऊंगा बुझाऊंगा सब करूंगा वो नहीं समझेगा तो अंत में कह दूंगा तू भाड़ में जा मैं क्या करूं तेरे कारण जो दिखाए सो करो चित्र चेड़ चला बना जाए बहुत जल्दी बहुत उथला है ना पानी ज्यादा गहरा नहीं बहुत सी है बहुत छोटी सी सहष्णता है बहुत छोटी सी समता है बहुत छोटी सी साधना है बहुत छोटा सा ज्ञान है बहुत जगनलब्धि स्थान का रत्नत्रय है जगन्य स्थान का लब्धि स्थान रत्नत्रय है एक बार आचार्य जी हमने लोगों ने पूछा बहुत पहले घटना है कि हम लोगों के असंख्यात लब्धि स्थान बता रहे थे तो अपन लोगों के लब्धि स्थान इनमें से कितने हो सकते हैं तो उन्होंने कहा जघन मानो जघन लब्धि स्थान है लब्धि स्थान है ऐसी बात नहीं है लेकिन जघन तैतीस नंबर और 45 नंबर के बीच के हैं, मध्य के भी नहीं है तृतीय श्रेणी के लब्धि स्थान है इतनी कहां क्षमता है कि हम बारह साल तक किसी को झेल में? और वो बिल्कुल विपरीत चला जाए विपरीत उसकी परिणाम विपरीत उसकी सामायिक विपरीत उसका ध्यान सब कुछ उल्टा है कुछ भी नहीं उसका धर्म में मन ही नहीं है उसका मन तो संसार में रम रहा है और उसको बारह साल तक संभालना है ओहो, धन है बारी महाराज उनको मालूम चल गया था पहले दिन ही कि मेरा ये जन्म का ग्रस्त अवस्था का मित्र था और दोनों बहुत अच्छे लंगोटी आया तो उनको आया मित्र तो वही है जो मित्र को भी पतन से बचा ले तो बार बार वो कमंडल देवे महाराज को पहले के महाराज क्या थे आहार करके स्वयं कमंडल लेके जंगल में चले जाते थे अब यहाँ मित्र के यहां था सेन के मन में आया तो बारी से जाने लगे कमंडल नहीं उठाया तो पूछ महाराज जी कमंडल कमंडल हाँ चलो चलो तो सब समझा घर के बाहर ले लेंगे गांव के बाहर आ गए महाराज ने कही नहीं कमंडल दे दो हमेशा कमंडल भाई हमारा कमंडल दे दो तुम जाओ अब महाराज मांग नहीं रहे तो बिना मांगे कैसे देवे अब वो याद दिलावे बार बार कि महाराज जी मैं चल रहा हूं मेरी तो सोचो मेरे अभी पेट में चूहा कूद रहा है आपके तो भोजन हो गए नगर वो बता रहे महाराज जी देखो ये वो स्थान है जहाँ अपन गिल्ली डंडा खेलते थे यहाँ स्थान है अपन लुक्षपुर खोलते थे यहाँ अपन ये खेलते थे और बारिशन हूँ कहते चल जा बारिशन समझ ये इसलिए कह रहा है बाबा वापस जाने को बोल दे कमंडल ले हुए हाँ महाराज हाँ बारिशन का हाँ हाँ यहीं खेलते थे सब करते 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 जंगल आ गया पारी महाराज के स्थान आ गया जहाँ बैठना था एक सलाह पर बैठ गया उनका तो कोई स्थान होता नहीं और जो बारी को लेक्चर दिया पारीषरण को ऐसे बातों में बांधा ऐसे बच्चनों में बांध लिया बोल तूने कहा था तुम कभी मुझे कोई आदेश दोगे तो चाहे मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं पालन करूँगा बोल तू कहता था ना मेरे से तू मेरा मित्र है और कहता था मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं मर सकता हूं तुम्हारे आदेश पे कहो तो मैं अपने प्राण दे सकता हूं ये सब बातें करता था आज परीक्षा का समय है आज तो तुमने जो वचन दिए बार बार उन वचनों का समय है मैं तुझे मेरी भावना है बोलो क्या भावना जो कहोगे वो करूंगा मेरी भावना है कि तू मुनि दीक्षा ले ले छत्रित होते ही थे अब बैराग मैराग कुछ नहीं था अब वो बचनों में फंस गया और मुनि दीक्षा ले लिए शादी हुई, हुई, हुई थी और वो भी बेचारे कि कहने से शादी हुई थी कानी औरत थी एकाक्षी तो उसके बाद जब उसने पूछा दीक्षा हो गई अब वो दीक्षा को मन लगे उसका वो तो सामायिक में बैठे उसे अपनी स्त्री दिखे घर दिखे परिवार दिखे और बारिश को कोसे कहाँ का दुष्ट मित्र मिल गया है जबरसी पिछकमंडल टिका दिए और बारी जान रहे हैं इसका वैराग्य नहीं है इसका परिणाम राग में है संसार में है पहले दिन से जान रहे दीक्षा ही जबरदस्ती दी गई लेकिन बारी कहते हैं बारह साल तक तो मैं यदि मैंने भी इससे सही दोस्ती की है मैंने भी सही मित्रता की है मेरा भी यदि पक्की मित्रता है तो मैं बारह साल तक तो उसको संभालूंगा बारह साल के बाद फिर जो होगा देखा जाएगा प्रतिदिन उपदेश देते प्रतिदिन सारा मुल्क घुमा दिया लेकिन जब भी शाम को देखते उस डाल में वैराग्य नहीं आया उनका ना सामायिक में मन लग रहा है बस टेंशन में उसके मन में घूमती थी उसकी स्त्री वो ही चौबीस घंटे वही घूमते थे। वारी ने कहा बारह साल पूरे होने के बाद अब कहते हैं देखो गुरु कौन है ऐसा गुरु कहीं मिल जाए जो शिष्य को बारह साल तक संभाले और मालूम है कि वो आज गिर चुका है लेकिन बारह साल तक उसके पीछे पड़े संभालने को बारह साल तक ताकत लगाए बारहवें साल का अंतिम दिन है वारी ने कहा बस कल से मैं फ्री और इसको फ्री कर दूंगा इसको भेज दूंगा घर आज अंतिम दिन है दूसरे को संभालने के लिए कितना निकृष्ट कार्य अपनाया कितना निकृष्ट अपनाया कि स्वयं घर में महारानी चेलना के लिए समाचार भेजते हैं मेरा राज दरबार तैयार करो और मेरी सारी जो पत्नियां ग्रस्त अवस्था के हैं रानी उनको सोलह श्रृंगार करके मेरे सामने प्रस्तुत करो मैं आ रहा हूं महारानी चेलना तो घबरा गई कि मेरा बेटा भ्रष्ट हो रहा है वो तो घबरा गई एक दृष्टि थी मेरा भ्रष्ट भ्रष्ट हो रहा है घर आने को कह रहा है राज गद्दी पे सिंहासन पर राज सिंहासन तैयार करो पत्नियों को तैयार करो भ्रष्ट हो रहा है घबरा गई लेकिन महारानी चेलना को एक बात का विश्वास था मेरा दूध खोटा नहीं हो सकता मैंने इसको दूध पिलाया है लेकिन जब आदेश सामने आ गया सारा नगर कह रहा है भारी सेन भ्रष्ट हो रहा तेरा बेटा भ्रष्ट हो रहा है लेकिन मात्र मां को एक विश्वास था और में सब पिता माता ने एक ही बात कह दी कि नहीं अब तो ये भ्रष्ट हो गए सीधा आदेश दे रहा है मैं आ रहा हूं नगर में दरबार में राजदरबार तैयार किया जाए लेकिन मां चेलना के अंदर से आवाज आती कभी ध्यान रखना बंधु कोई कितना भी कुछ कहे अंदर से एक आवाज आती सबसे बड़ा सत्यवान अपनी आत्मा है सबसे बड़ा जोशी अपनी आत्मा है अपनी आत्मा से एक आवाज उठती है महारानी चिल्ला कहती है हो नहीं सकता परिणाम ये निकला कि महारानी चिल्ला ने आज्ञा तो मान नहीं थी दरबार तैयार किया एक संघासन जो राज दरबार पे हमेशा बैठता था वो वो तैयार किया बाजू में एक लकड़ी का पाटा लगा दिया संघासन चंदन की चौकी जो भी लगा दी और महारानियों को सबको तैयार कर दिया वारी सैन आए अपने पास शिष्य को लेकर राज दरबार में चले गए सब स्वागत हो रहा था सब तैयारी थी महारानी अभी भी साहस नहीं टूट रही देखो वारी सीधे घर में घुस के जा रहे हैं इसका अर्थ है डाउट हो रहा देखो घर में चला गया देखो राजमहल में चला गया सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे माँ का दिल धड़कने लगा लेकिन अभी भी एक उम्मीद है देखो कौन सिंहासन पर बैठता है और वारी सेन सीधे राज सिंहासन को छोड़ के और लकड़ी के पाटी पर पीछे लगा के बैठे माँ की आत्मा खिल गई यदि भ्रष्ट हो गया होता तो पीछे नहीं लगाता और भ्रष्ट हो गया होता तो लकड़ी के पाटे पर ना बैठकर सिंहासन पर बैठता पाटे तो दो ही थे और जो पुष्पडाल था उसको जिंदगी में कभी सिंहासन नहीं मिला वो जाके सिंहासन पर तो बैठ गया रानियों को बुलाया गया बत्तीस रानियां थी उनकी और पुष्पडाल से कहा इन रानियों को मैं छोड़ करके दीक्षा दी है ये अप्सराएं सी सुंदर नारियां, आज्ञाकारी नारियां, ये राज वैभव सब देख मैंने इसको छोड़ दिया है और मैं इसको ग्रहण करने नहीं आया हूं मात तुझे दिखाने आया हूं उस गाल देख के रखना इन रानियों को तुमने छोड़ा है ये वैभव तुमने छोड़ा है फिर भी तुम्हारा मन नहीं इस तरफ आता बोले नहीं आता तुरंत पुष्पडाल उठ करके वारी सेन के चरणों में गिर गया और कहा मैं कहा छोटी सी झोपड़ी कहानी स्त्री वो भी गरीबी की दर्द था उसका भी राग मेरे से नहीं जा रहा और आपने ये सारा इतना सब कुछ छोड़ा है चलो उठो यहां से इसी समय चलो आज के बाद मैं इस संसार में नहीं रहूँगा तुरंत पुष्पडाल को लेकर माँ चेलना कह रही बेटा आए हो तो कुछ कुछ नहीं तुम्हारे लिए थोड़ी आया था महारानी कहती रही भैया महाराज कुछ तो रखो बोले नहीं भाई तो चले बोले चलो पुनः दीक्षा लेकर पुष्पाल ने ऐसी तपस्या दी कि ऐसी तपस्या की बहुत तपस्या करके स्वर्ग को प्राप्त किया तपस्या की संलेख नाम किया लेकिन किसका परिणाम है बारह साल का परिणाम है बारह साल की मेहनत का परिणाम परिश्रम का परिणाम बारह साल तक आज कोई ऐसा गुरु है क्या जो अपने शिष्य को संभालने के लिए अपने प्रियजन को संभालने के लिए बारह साल लगा दे बारह साल तक भी अपने साहस न खोवे बहुत कठिन है बहुत कठिन है थोड़े में ही थोड़े में से ही